आइए हम देखते हैं एडजेक्टिव के बारे में। तो एडजेक्टिव क्या होता है, हिंदी अर्थ इसका क्या होता है, विशेषण। आपने सुना होगा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण होते हैं। विशेषण का मतलब होता है संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है उसको क्या कहते हैं अपन विशेषण। ये तो हो गया हिंदी में, तो इंग्लिश में क्या होता है आइए देखते हैं अपन इंग्लिश की डेफिनेशन। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी संज्ञा और सर्वनाम के जो विशेष शब्द बतलाते हैं उसकी विशेषता बतलाते हैं। एडजेक्टिव क्या है, एक विशेष वर्ड है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है, इसको अपन क्या कहेंगे एडजेक्टिव। क्या कहेंगे एडजेक्टिव। एग्जांपल देखते हैं, गुड, ब्यूटीफुल, लार्ज, ऑरेंज, टू, सम, इटीसी। अब देखते हैं लार्ज, गुड। गुड क्या है, किसी की विशेषता है। राम इज अ गुड बॉय, तो ये क्या है, राम इज अ गुड बॉय, तो राम क्या है, एक अच्छा लड़का है। इसकी विशेषता क्या है, राम क्या है, एक अच्छा लड़का है। तो गुड क्या होगी, उसकी विशेषता होगी। ये क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। रानी इज अ स्मॉल गर्ल, रानी क्या है, एक छोटी लड़की है। रानी तो लड़की है लेकिन कौन सी है, छोटी है, तो छोटी हो गई उसकी क्या होगी, विशेषता हो गई। तो रानी इज अ स्मॉल गर्ल, स्मॉल क्या होगी, इसकी विशेषता हो गई। ये क्या हो गया एडजेक्टिव। इट इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर, यह जो पिक्चर है वो क्या है, बहुत सुंदर है। पिक्चर तो है लेकिन क्या है, सुंदर है, तो उसकी सुंदर क्या होगी, उसकी सुंदरता क्या होगी, इसकी विशेषता हो गई। तो ब्यूटीफुल क्या है एडजेक्टिव है। प्लीज गिव मी सम मिल्क फॉर मेक टी, यहाँ पर टू मिल्क टू मेक टी करना, तो प्लीज गिव मी सम मिल्क टू मेक टी, क्या तुम मुझे कृपया मुझे थोड़ा दूध दोगे, किसके लिए, चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पर सम मिल्क आ गया, तो सम क्या है, वो भी क्या है एडजेक्टिव है। तो कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, इट इज अ ब्लू कार तो है लेकिन कौन से कलर की है, ब्लू कलर की है। तो कार की विशेषता क्या होगी, यह कार है, कार तो बहुत सारी लेकिन यह कौन से कलर की कार है, ब्लू कलर की कार है। तो ब्लू क्या होगी, उसकी विशेषता हो गई। दिस पेंसिल इज हर पेंसिल, यह पेंसिल क्या है, उसकी पेंसिल है। तो यहाँ पर हर क्या है, हर क्या है, यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव, यह भी क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है। तो ये भी हो सकता है कि यह मेरा पेन है, तो वो क्या हो जाएगा अपना पजेसिव, वो क्या हो जाएगा डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है, तो यहाँ पर दिस किसके लिए आया है, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में आया है। तो एडजेक्टिव के टाइप अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, एडजेक्टिव के टाइप्स, यानी कि नेक्स्ट अपन एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। तो एग्जांपल क्या होंगे, एडजेक्टिव के टाइप। उसके पहले मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ, एडजेक्टिव किसके रूप में काम में आता है, डिग्री के रूप में काम में आता है, जिसके अपन तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, तुलना करने में काम में आता है। तो एडजेक्टिव एक तरह से क्या होगी, कंपैरिजन भी हो गया। डिग्री कौन सी होगी, पॉजिटिव डिग्री होगी, कंपैरेटिव डिग्री होगी, सुपरलेटिव डिग्री होगी। तो डिग्री के रूप में भी अपन किसका यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब ही यही होता है कि मतलब कंपेयर करना, किसी से तुलना करना, तुलना करेंगे तो ही तो विशेषता निकलेगी। जैसे कि राम इज अ गुड बॉय, मैं लिख सकता हूँ राम इज बेटर देन मी, राम मेरे से बहुत अच्छा है, तो क्या है उसकी विशेषता, मैं तो हूँ ही लेकिन मेरे से भी वो अच्छा है, तो वो क्या होगी, उसकी विशेषता होगी, तो वो तुलना होगी, तो कंपेरिजन हो गया, तो वो भी क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। अब देखते हैं अपन इसके टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, उसके बाद में कुछ एग्जांपल और देखेंगे जिससे हम समझ सकते हैं कि एडजेक्टिव है। कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ एग्जाम के अंदर यही आता है कि सेंटेंस दिया होता है और अंडरलाइन दी होती है, जिससे अपन को पहचानना है कि यह भाई कौन से प्रकार का एडजेक्टिव है। अब अपन देखेंगे इसके टाइप्स, देयर आर मेनी टाइप्स बट वी नीड ओनली दिस टाइप, अपने को सिर्फ यही टाइप्स पढ़ने हैं, इसके अलावा बहुत से टाइप होते हैं लेकिन अपने को सिर्फ ये जो काम के हैं अपने। एडजेक्टिव का पहला प्रकार है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि मात्रात्मक और जिसको मापा हुआ तोला जा सकता है, उसके साथ में कोई नाउन हो और उसकी जो विशेषता बतलाता है वो क्या कहलाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सम, फ्यू, लिटल, मच और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब देखेंगे एडजेक्टिव का सेकेंड पार्ट, सेकेंड
टाइप देखेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर मतलब प्रॉपर नाउन पर्सन, यानी कि प्रॉपर नाउन की जो विशेषता बतलाता है या प्रॉपर प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाता है वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडियन, इंडिया में रहने वाला, मैं क्या हूँ भारतीय हूँ, तो इंडियन, इंडियन मेरी विशेषता क्या है कि मैं क्या हूँ एक इंडियन हूँ। अब देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यह कौन सी होती संकेत वाचक विशेषण कहलाएगा। दिस, दैट, दिस और दोस, इन सब में एक चीज में आपको कॉमन बताना चाहता हूँ कि जितने भी एडजेक्टिव होंगे उसके साथ में कोई ना कोई नाउन जरूर जुड़ा होगा या फिर कोई ना कोई आर्टिकल भी जुड़ा हुआ आ सकता है। तो दिस का एग्जांपल मैंने लास्ट जो बताया था उसमें बताया था कि दिस और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो पिछले अभी मैंने जो एग्जांपल लिखवाए थे एडजेक्टिव की डेफिनेशन के साथ में उनमें एग्जांपल लिखवाए थे उनमें मैंने ये चीज क्लियर कर दी थी। तो एक बार फिर मैं क्लियर कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा दिस पेन, तो यहाँ पर दिस क्या है, दिस के साथ में पेन जुड़ा हुआ है, तो एडजेक्टिव प्लस क्या जुड़ा हुआ है, नाउन जुड़ा हुआ है, इसलिए दिस पेन ये क्या हो जाएगा पूरा पूरा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो सकता है। एक अपन पढ़ेंगे पजेसिव एडजेक्टिव, हिज, माय, हर, योर, आवर, देयर, ये सारे सारे क्या है पजेसिव एडजेक्टिव है, यानी कि ये नाउन की विशेषता जो बताता है, यानी कि मैंने एग्जांपल भी आपको जो पिछले बार बताया था उसमें ये सारे सारे एग्जांपल क्लियर हो जाते हैं। तो इसमें जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर माय फादर, माय फादर ये माय क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है नाउन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि किसी गुण की जो विशेषता बतलाता है, संज्ञा या सर्वनाम के अंदर किसी का गुण हो तो उस गुण की विशेषता बतलाता है। तो लार्ज, लार्ज क्या विशाल, हिज हाउस इज वेरी बिग, तो वो बिग भी क्या हो गया, ये भाई एक घर क्या है बहुत बड़ा है, तो उसकी विशेषता होगी घर की क्या है, घर तो है लेकिन क्या है बहुत बड़ा है, तो वो विशाल हो जाएगा, बिग मतलब बहुत हाइट में है। ऑरेंज, वी आई वियर ऑरेंज शर्ट, तो वो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ आई वियर रेड शर्ट, मैंने क्या पहन रखा है रेड शर्ट, यहाँ पर रेड शर्ट बता रहा हूँ लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि आई वियर अ व्हाइट शर्ट, मैंने कौन सा शर्ट पहन रखा है व्हाइट कलर का शर्ट पहन रखा है, तो मेरी विशेषता क्या है मैंने शर्ट तो पहना है लेकिन कौन से कलर का पहना है व्हाइट कलर का पहना है। तो यहाँ पर आई सो अ वुमन, आई सो अ वुमन हु वियर्स अ रेड साड़ी, मैंने एक औरत को देखा था तो वो कौन सी साड़ी पहन रखी थी जिसने लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी, तो लाल साड़ी क्या होगी उसकी विशेषता होगी, वियर क्या होगी क्वालिटी। तब यहाँ पर राम इज अ ऑनेस्ट मैन, राम क्या है ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार लड़का है, ये भी ऑनेस्ट क्या होगी इसकी विशेषता मतलब इसकी क्वालिटी होगी, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब पढ़ेंगे अपन एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ऑल, मेनी, सम, फर्स्ट, सेकंड, ये सब क्या होगी एडजेक्टिव ऑफ नंबर, लेकिन एक बात आपको क्लियर होना चाहिए कोई भी एडजेक्टिव हो उसके साथ में नाउन या फिर प्रोनाउन, नाउन तो जरूर मिलेगा तो तब जाके उसकी विशेषता कंप्लीट होगी। तब अपन नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो अपने वर्ब के बारे में पढ़ेंगे।